बहुत छोटे से गमले में लगे हुए, बहुत कम मिट्टी में लगे हुए कनेर के पौधे की इतनी अच्छी ग्रोथ कैसे है, इतने अधिक इसमें ब्रांच कैसे आते हैं, इतने ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग कैसे होते हैं बड़े साइज के, तो यह सब मैं आपको अपने वीडियो में बताती रहती हूँ, अपने चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ। तो आज मैं जो यूनिक चीज़ बताऊँगी इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यदि आपके कनेर के पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं है, उसके टहनियाँ इधर उधर भागती रहती हैं, बड़े साइज के आपको फूल नहीं मिलते हैं, तो ये घर की यह चीज़ें आप रिजेक्ट चीज़ें फेंकने के बजाय इसमें डालिए। ये क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें क्या क्या मिलता है, यह सब मैं बताऊंगी आज के इस वीडियो में। तो आप देख सकते हैं हमारे पौधे कितने हेल्दी हैं। यही नहीं, एक और कनेर जो हमारा है इसे भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि चल पाना मुश्किल होता है, इतने घने हो जाते हैं पौधे, एक दूसरे से बिल्कुल लड़ने लगते हैं पौधे, इतनी अच्छी इसकी ग्रोथ होती है। तो यह बहुत पुराना भी पौधा नहीं है, यह महज 1.5-2 साल का पौधा है। और इस पौधे को देखिए मैं कैसे इतना घना कर ली। चलिए बात कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल माई ऑर्गेनिक ग्रीन गार्डन में। तो सबसे पहले तो हम आपको यही कहेंगे कि आप रसायन पर यदि निर्भर हैं या रसायन केमिकल छिड़काव करते हैं या पौधे में डालते हैं कोई भी चीज़, तो बिल्कुल ना डालें, उससे पौधे की ग्रोथ आपकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी और कुछ दिनों के बाद आपके वो पौधे ख़राब भी हो सकते हैं। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हमारे पौधे सूख रहे हैं, हम क्या करें। तो हम इसी विषय पर आज ये वीडियो बनाए हैं, आपको ये बताएँगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और कैसी चीज़ें हैं, कैसे देना चाहिए पौधे में जिससे कि उसकी उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिले। तो चलिए फिर बात कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम आपको ये पीला वाला कनेर है हम आपको दिखा दिए, और यह जो है लाल वाला कनेर है, आप इसको भी देख सकते हैं, देख लीजिए। और लगा किस चीज में है यह भी आप देख लीजिए, बहुत छोटा सा गमला है, महज यह जो है 12-10 इंच का गमला होगा, इससे ज़्यादा यह नहीं है और मिट्टी तो नाम मात्रा की है। यही कारण है कि इसका जो है रिजल्ट बहुत अच्छा हमें मिल रहा है। तो हम छत पे गार्डनिंग करते हैं तो हम बिल्कुल भी वजन अपने छत पर नहीं रखते हैं, खासतौर से मैं बिल्कुल नहीं रखती हूँ। और आप लोग भी अगर छत पर गार्डनिंग कर रहे हैं तो इससे बिल्कुल बचिए, अपने छत को लोड छत पे लोड बिल्कुल मत होने दीजिए। तो अब हम क्या डालेंगे कि लोड भी ना हो और साथ ही साथ हमारा पौधा भी अच्छा रहे। तो आपका आप यह चीज़ देख लीजिए कितना मोटा इसका हो चुका है। तो आपको इसे हेल्दी बनाना है, इसे हेल्दी बनाने के लिए आपको मिट्टी अच्छी बनानी होगी, मिट्टी अच्छी बनाइए, साथ ही साथ बीच बीच में आपको इन चीज़ों को डालना बहुत ही ज़रूरी है, कंपल्सरी है। तो चलिए फिर हम इसको डाल ही लेते हैं और बताएँगे कि क्या चीज़ें हैं यह। तो सबसे पहले तो हम आपको इस पौधे में डाल करके ही दिखाएंगे, देखिए इसमें कितने ज़्यादा रूट्स हैं। तो मैं इसको जो है हाथ से ही कर लेती हूँ क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा जो है खुरपी नहीं लगाऊंगी, अगर लगा दूंगी तो हो सकता है इसके और रूट्स कट भी जाए। और अब हम इसमें मिट्टी अभी इस समय तो बिल्कुल नहीं डालूंगी, अब मैं इसका बदलाव मिट्टी का बदलाव करूंगी फरवरी में। फरवरी में इसको या तो देखेंगे तो हो सकता है इसको रिपार्ट भी कर सकते हैं या तो फिर इसका कुछ काट छांट के इसमें दूसरी मिट्टी भर देंगे। यह करना भी आपको बहुत ज़रूरी होता है। तो साल में कम से कम आप 2 बार तो कर ही दीजिए, नहीं 2 बार तो 1 बार आपको करना बनता है, या फरवरी में करिए या फिर बरसात के सीजन में। आपको सीजन 2 साल में 2 बार अगर आप इसको कुछ हेल्दी चीज़ें दे देंगे, मिट्टी में कुछ बदलाव कर देंगे, या रिपार्ट साल में 1 बार कर सकते हैं। बार बार पौधों को रिपार्ट नहीं करना चाहिए, उससे उसकी ग्रोथ जो है ख़राब हो जाती है, रुक जाती है। तो देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल रूट्स हैं इसके। तो इसमें क्या डालेंगे हम, यह हम आपको बताएंगे और क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ तो हमें यह करना है कि हमें अपने पौधे को फंगस से भी बचाना रहता है, क्योंकि जब हम जैविक तरीका अपनाते हैं तो उसमें बहुत सारे पौधे में फंगस लग सकते हैं। तो हमें डालना चाहिए जिससे पौधे में फंगस ना लगे, एक फंगस से बचाने के लिए है। और अब हम बताएंगे आपको कि हम क्या क्या इसमें यूज करेंगे। हमें यह चीज़ें तो आसानी से मिल जाती हैं, यह है गुड़हल का फूल जो हम लोग पूजा करते हैं,
जो श्रृंगार करते हैं माता रानी का, या एकाध दो पत्ता अगर आपको बेलपत्र मिल जाए तो यह अति उत्तम है। इससे क्या होता है, इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है, साथ ही साथ पौधा फंगस वंगस नहीं लगता है, और न मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कंपल्सरी नहीं है कि आपको मिल जाए, बट हम चढ़ाते हैं तो हम फेंकते नहीं हैं, पौधों में यूज कर लेते हैं। उसके बाद यह इसी के फूल है, कनेर का फूल है, और यह कुछ सूखे हुए गुड़हल के फूल हैं, कुछ ताज़ा हैं, कुछ सूखे हुए हैं, साथ ही साथ यह बिल्कुल सूखा हुआ फूल है गुड़हल का, आप देख सकते हैं। कहीं छत पे रख देती हूँ तो इसको भी एकदम बिल्कुल सूखा हुआ लेती हूँ। इसमें क्या है, इसमें प्रचुर मात्रा में आयरन और कैल्शियम दोनों है, जो कि यही कारण होता है कि फ्लावरिंग बड़ी अच्छी होती है और कली नहीं टूट करके गिरती। एक भी कली आप देखेंगे हमारे पौधे की नहीं गिरती, अगर आप ये सब चीज़ों को यूज करेंगे तो इससे इस ये जो है कुछ तो आपको ध्यान आपको ये रखना है, कुछ आपको सूखा कर लेना है, बिल्कुल सूखा हुआ यानी कि एकदम देखिए क्रॉस हो जा रहा है इस समय, ठीक है। और ये क्या है, यह है तुलसी की पत्ती, आप देखते होंगे जो आप भगवान का पूजन करते हैं तुलसी दल चढ़ाते हैं तो उसे भी मत फेंका करें, उसे डाल दी। इसमें बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, आप सभी को पता है रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, तो इसको भी इसमें डाल दें। यह कोई किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं करेगा हमारे पौधे को, अब बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। उसके बाद ये जो है इस फूल को हम डालेंगे, इससे क्या होगा, इसमें आयरन कैल्शियम प्रचुर मात्रा में, साथ ही साथ नाइट्रोजन, इससे जो है हमें ताज़ा रहेगा, मतलब बिल्कुल ताज़ा नहीं है, कल का है, यह कल का है यानी कि एक दिन पहले का, यह चार पांच दिन पहले का है, यह करीब हफ्ता दस दिन पहले का है। तो यानी कि आपको दो तीन तरह का फूल आपको लेना है, ये ध्यान आपको रखना है। तो यूनिक तरीका आप अपनाइए, ऐसे अगर आप करेंगे गार्डनिंग तो बिल्कुल भी आपका पौधा खराब भी नहीं होगा और रिजल्ट बिल्कुल आपको हमारे पौधे की तरह मिलेगी। तो इस तरह से देखिए चारों तरफ से हम इसमें डाल देंगे, कुछ कनेर के फूल हैं, कुछ गुड़हल के फूल हैं, कुछ इसमें देखिए गुलाब के भी फूल हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में जो है आयरन पाया जाता है और यह हमारे पौधों के लिए रामबाण होता है, तो आप जरूर डालिए। अब हम दो एक चीज़ और दिखाएंगे आपको, यह क्या है, यह है दो आलू का छिलका, बिल्कुल यह कल का छिलका है और धूप में नहीं सूखा हुआ है, ऐसे ही इसका मॉइस्चर ख़त्म कर दिए हैं हम, रख करके फैला करके ऐसे ही छाया में ही, तो इसमें प्रचुर मात्रा में पोटेशियम होता है, तो इसे आपको भी इसे भी डाल देना, इससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, पौधा बहुत ज़्यादा कली बनाने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। तो यह बातें अभी हम अगले दूसरे पौधे में, तो आप इसको करना क्या है, इसको आपको जरूर डाल देना है समय समय, समय भी मैं आपको बता रही हूँ कितने समय में, कम से कम आप इसको दो महीने में एक बार तो डाल ही दीजिए अपने पौधे में, हमेशा मत डालिए, महीने और दो महीने के बीच में आप एक बार डाल दीजिए इसको, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। अब इसको हम किसी भी प्रकार से किसी भी कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे हमें संदेह हो कि हमारा पौधा खराब हो सकता है। तो यह है दालचीनी का पाउडर, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, एक तो यह पौधा ठंडी के लिए तैयार हो जाएगा और दूसरा यह पौधा जो है बहुत अच्छा, इसको एंटीऑक्सीडेंट जो होता है मिलेगा, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी, इसके जो है जड़ में अच्छा खासा एयर सर्कुलेशन होगा, और इस चीज़ से जो है पौधे में किसी भी प्रकार का ये सब डाल रहे हैं तो किसी भी प्रकार का कोई कीटाणु उत्पन्न नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ माइक्रोब्स रहेंगे। तो एक चम्मच आपको दालचीनी का पाउडर भी डाल देना है, बिल्कुल इस तरह से ऊपर से इसी पर डाल दीजिए। अब आपको करना क्या है, इसी मिट्टी को ले लीजिए और इसको इस तरह से हल्का सा इसको कवर कर दीजिए इस तरह से। अगर आप हमारे पास मिट्टी दूसरी नहीं है, अगर आपके पास दूसरी मिट्टी है, गमले में जगह है तो आप दूसरी मिट्टी भी डाल सकते हैं, या तो अगर आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं है, बिल्कुल पतला सा आपका पौधा है, नया पौधा है, तो उस इस समय पे आप एक मुट्ठी इसमें बर्मी कंपोस्ट या सड़ी हुई एक साल पुरानी गोबर की खाद भी डाल सकते हैं। आप ये डाल करके बहुत अच्छा रिजल्ट अपने पौधे से ले सकते हैं। अब हम इसको इस तरह से दबा दिए,
दबा देने के बाद अब हम इसमें, अगर अभी हमारे पौधे में मॉइस्चर है, अभी हम पानी इसको नहीं देंगे, शाम को जब हम इसमें पानी देंगे तो ये अपने आप धीरे 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 डीकम्पोस्ट होता चला जाएगा और हमारे पौधे की ग्रोथ दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी और फूल इससे हमको अच्छे मिलते जाएंगे। तो इसी तरह से हम इस वाले कनेर में भी इसको डालेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसी तरह से डाल करके यही प्रोसेस अपनाएंगे और उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा और आप महीने दो महीने के बीच में यह काम जरूर किया करें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। पसंद आया होगा तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, पहली बार होंगे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक तो बनता ही है अगर पसंद आया होगा तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।